कई बार बड़े स्पेशल सवाल पूछते हैं मरीज कि साहब ये केले और वो आम खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन एक नियंत्रित मात्रा में। सर आप जब वो केले और आम खाते हैं तो दूसरी चीजें आप थोड़ी कम कर दीजिए। डायबिटीज यानी कि शुगर से कैसे बचा जा सकता है, इसके घरेलू उपचार क्या है, डायबिटीज होने पर हम क्या खाएं, किससे परहेज करें, हम जानेंगे जय आरोग्य अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर अशोक मिश्रा सर से। सर जो शुगर है जिन मरीजों को, तो खाने में जैसे सरल भाषा में बोले दाल चावल गेहूं मक्का चना क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते? देखिए ये आजकल बड़ा अच्छा कंसेप्ट चल रहा है कि आप सही कई अनाजों को मिला लें, मल्टीग्रेन आटा भी मिलता है, और कई अनाजों को मिला लें, गेहूं और चावल ये मिला ये चने का आटा मिलाकर पिसवा लें, ये भी ज्यादा अच्छा है। व्हाइट राइस जो होता है सफेद चावल व्हाइट राइस, वो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करें यथासंभव। आलू भी इसमें स्टार्च होता है, इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, लेकिन हरी पत्ते वाली सब्जियां हमेशा हर समय खा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आलू भी खाएं लेकिन एक कंट्रोल्ड मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में, रोज आलू नहीं खाएं। आलू पराठे बनवा लिए, आलू बड़े बनवा लिए, ये इस तरह की चीजें रोज नहीं कर सकते आप। कभी कभार सारी चीजें, जैसा मैंने बताया ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करें किसी चीज की। अगर कोई चीज ऐसी खा रहे हैं जो आपको ज्यादा पसंद है, तो फिर टोटल क्वांटिटी फूड की कम कर दीजिए, भोजन की दूसरी चीजें कम कर दीजिए आप, ताकि कैलोरीज उतनी ही मिलें जितनी आपके शरीर को आवश्यक है। फास्ट फूड से बचिए, जो बाजार में जंक फूड मिल रहा है, फास्ट फूड मिल रहा है, उससे बिल्कुल बचिए। कैलोरी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और जो आप कैलोरी ले रहे हैं वो एक्सरसाइज के माध्यम से उनको खर्च भी करिए। यदि आपका काम इस तरह का है कि बैठे बैठे ही काम करना है, दिमाग का काम करना है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। सामान्यतः जो भी मरीज हैं उनको हमेशा ही फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, डायबिटीज के मरीजों को विशेष रूप से फिजिकल एक्टिविटी अति आवश्यक है। तो चम्मच में अगर अपन सामान्यतः बात करें तो कितनी चम्मच शक्कर खा सकते हैं? देखिए शक्कर ना खाएं तो समझदारी है, यदि खाना है तो एक दो चम्मच खा लें आप, बहुत ही ज्यादा आपको क्रेविंग है, लेकिन फिर उस समय बाकी खाने की चीजें कम करिए आप। मिठाई भी खाते हैं, अगर कुछ लोगों को नहीं कंट्रोल होता तो देखिए ये आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना पड़ेगा, और अगर आप मिठाई खा रहे हैं तो खाना कम खाइए, फिर रोटी कम खाइए आप। सामान्यतः जो डायबिटीज के लोग से व्यस्त लोग होते हैं उनको हरी सब्जियां ज्यादा लेना चाहिए, और किसी भी भोजन का जो जो खाद्य सामग्री है उसका हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम चेक कर लें, ये गूगल पर बहुत आराम से चेक हो जाता है किसी भी जो खाना चाहते हैं हम उसका, और अगर 50 से नीचे है तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है, और 55 तक भी चलेगा, 55 से ऊपर लेकर 69 तक अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो मीडियम कहलाता है, और उससे 70 से ऊपर अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उन चीजों को नहीं खाएं हम। ये एक सलाह है। सर चाय भी है तो फीकी भी है? फीकी लें, लेकिन अगर आपको डालना है तो जो खाने का चाय का चम्मच TSP जो कहलाता है ना, खाने वो चाय वाला चम्मच, टीस्पून फुल वाला, तो उसका आधे से ज्यादा नहीं लें किसी भी समय। अगर फीके पीने में बहुत दिक्कत होती है तो आधा चम्मच ले सकते हैं, लेकिन फिर चाय की मात्रा नियंत्रित करिए आप। अगर 10 कप आधा चम्मच ले लेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी उसमें। टोटल क्वांटिटी भी कंट्रोल करनी है आपको कैसे भी, और अगर कैलोरीज कंट्रोल करेंगे हम, टोटल भोजन की मात्रा कंट्रोल करेंगे तो नियंत्रण होगा। एक्सरसाइज भी जरूरी है, कम से कम आधा घंटे एक्सरसाइज करें, और ज्यादा करें तो बेहतर है, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है जो टॉलरेट कर ले बॉडी उस हिसाब से करें, भोजन पर नियंत्रण करें, और यदि आवश्यक है इसके बाद तो चिकित्सक महोदय की सलाह के हिसाब से दवा लें। मतलब एक भोजन चार्ट क्या रहेगा सर खाने पीने? देखिए भोजन जब आप चिकित्सक से मिलते हैं तो केवल दवा के बारे में बात ना करें, अपने चिकित्सक को ये भी बताएं कि हम क्या क्या खाना सुबह से लेकर उठने के बाद
कितनी चाय पीते हैं, कितना दूध पीते हैं, कितना घी लेते हैं, कितनी रोटियां लेते हैं, कितने चावल लेते हैं, सब्जियां कितनी लेते हैं, दिन में कितनी कितनी बार खाते हैं और क्या क्या खाते हैं, ये सारी जानकारी चिकित्सक स्वयं पूछेंगे। अगर नहीं पूछते हैं तो आप बताइए उसमें, क्योंकि खाना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भोजन हम क्या ले रहे हैं, कितनी बार और क्या कैसे ले रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम खाना तो खाएंगे लेकिन संतुलित भोजन हो और एक नियंत्रित मात्रा में हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें संतुलित भोजन से क्या तात्पर्य है, ये सवाल आता है। इसमें सारी चीजें अगर शामिल हैं, जो विटामिन मिनरल्स जो हमारे शरीर को जरूरी है वो पर्याप्त मात्रा में है, फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित मात्रा में है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें हैं, तो वो संतुलित भोजन कहलाता है सामान्यतः भाषा में। और इसको एक कितनी क्वांटिटी में लें, कितनी मात्रा में लें, ये हमारी शरीर की कितना हमको जरूरत है, ये हमारे हम कितने किस तरह की हमारी कार्य पद्धति है, कितना हम काम करते हैं, कितना हम अपने शरीर से शारीरिक श्रम करते हैं या केवल मानसिक श्रम करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। खाना हम कोई भी खा सकते हैं, लेकिन जैसे कई बार ये सवाल आते हैं, कुछ लोग पूछते हैं साहब फल कौन से लें या खाना कौन से लें, तो फल में आप सभी फल खा सकते हैं, लेकिन सारी फल खाने के साथ साथ आपको या खाने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको नियंत्रित मात्रा में खाना है। अति सर्वत्र वर्जयेत ये कहा जाता है ना, अति किसी चीज की नहीं करें। कई बार बड़े स्पेशल सवाल पूछते हैं मरीज कि साहब ये केले और वो आम खा सकते हैं क्या, बिल्कुल खा सकते हैं लेकिन एक नियंत्रित मात्रा में। फिर आप जब वो केले और आम खाते हैं तो दूसरी चीजें आप थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि टोटल हमको कैलोरी कम करनी है, कैलोरी पर नियंत्रण रखना है, और जब हम वो नियंत्रण रखेंगे तो हमारी ब्लड शुगर पर भी नियंत्रण होगा। और हम ये बात भी ध्यान रखें कि कम हमें भोजन नियंत्रित रखना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है हमारे को, अगर हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो, और फिजिकल एक्टिविटी और भोजन के साथ साथ यदि आवश्यक है तो दवा चिकित्सक जो बताते हैं वो भी लें आप। और दवा लेने के साथ साथ कितनी मात्रा में दवा लें, कब कब लें, ये भी आप अपने चिकित्सक से स्पष्ट रूप से पूछें, ये भी जरूरी है। तो ये अगर ध्यान रखें, अगर ये चीजें ध्यान रखेंगे तो हम डायबिटीज को मात दे सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, मॉर्निंग वॉक पर मैं जब जाता हूँ तो कई लोग पार्क में से कुछ पत्तियां तोड़कर खाते हैं। बोले साहब, मैंने पूछा, बोले साहब इससे शक्कर कम होने लगती होती है, ऐसा कहते हैं। मैंने कहा आपने इसके बाद जांच कराई? बोले नहीं साहब। तो कोई भी पत्ती, कोई भी दवा यदि आप खा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, नीम हकीमों के सलाह के अनुसार यदि खाएंगे और दवा बंद कर देंगे आप, या आवश्यक है आपको दवा लेना नहीं लेना, ये चिकित्सक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता पाएगा, आपकी ब्लड शुगर की जांच के बाद ही बता पाएगा कि ये दवा का प्रभाव कितना है, हो रहा है नियंत्रण, नहीं हो रहा है। और कोई भी दवा इस तरह की चीजें हम चूर्ण खाने लगे, पत्तियां खाने लगे तो, और दवा बंद कर दें यदि आवश्यक है उसके बाद भी, तो हमारे शरीर को नुकसान डायबिटीज करेगी।